देखिए, ये पहले जोतना और बोना अलग अलग कार्य होता था, लेकिन अब जो है इसके अंदर ये कैरेट बनाए गए हैं। कंटेनर के रूप में ये कैरेट है जिसमें गेहूँ डाला गया है, ये गेहूँ है, और साथ ही साथ ये खाद के रूप में भाई पोटास हो कहा जी डाई हो, साथ ही साथ इसमें डाई भी देख सकते हैं है। और एक ही मशीन से जोतना और बोना दोनों कार्य हो रहा है एक साथ में। एक आदमी मात्र इस कार्य को एक आदमी अकेले कर ले रहा है, जिस कार्य के लिए पहले कम से कम इतने ही खेत को बोने के लिए 50 से 100 लोग लगते थे, लेकिन इससे जो अब नया रोजगार पैदा हुआ है, ये जोताई बुआई करने वाले लोग मजदूरों की कमी को देखते हुए कार्य शुरू किया गया है, और 10 लोगों का कार्य एक मशीन के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन इससे एक नए प्रकार का रोजगार आ चुका है जिसमें 50 लोगों की जरूरत है। मशीन बनाने वाले, साथ ही साथ ये जो सुपर सीडर है इसका रिपेयरिंग करने वाले लोगों की आवश्यकता है। तो जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उससे एक नए तरीके का रोजगार जनरेट होता है, और जो कार्य पहले 50 और 100 लोग करते थे वो उस मशीन के सहायता से किया जाता है, लेकिन उस मशीन के रिपेयरिंग के लिए और देखभाल के लिए और अधिक लोगों की जरूरत पड़ने लगती है। तो बिल्कुल ही टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग चलें और कभी भी टेक्नोलॉजी को नज़रअंदाज न करें। नई सोच और नई तकनीक का हमेशा हम सभी को सहारा लेना चाहिए। ये सुपर सीडर का वजन इतना ज़्यादा है, इसके वजह से आगे की साइड में बैलेंस करने के लिए वजन डाला गया है यहाँ पे। और देखिए बीच में एक पुली लगी हुई है जो इस सुपर सीडर को ऑपरेट कर रही है मोटर के द्वारा। इससे समय का कितना बचत है आप समझ सकते हैं। पहले के तरह से अब खेती नहीं रह गई है, अब खेती आसान हो गया है। खेती करना और करवाना, टूल्स का उपयोग करने का तरीका मालूम होना चाहिए, जिससे एक आदमी अकेले सैकड़ों बीघा खेत जोत बो सकता है और फसल उत्पन्न कर सकता है। लेकिन साथ ही साथ जो मशीनें आपको हम दिखाते हैं बार बार खेती किसानी से संबंधित, इन मशीनों को रिपेयर के लिए और देखभाल के लिए भी हजारों लोगों की जरूरत है। खेती बाड़ी में कहीं 5-10 लोगों की कभी कमी हुई है, मजदूरों की संख्या में कमी जरूर आई है इस मशीन के सहायता से, लेकिन इसके साथ ही साथ मशीनों के देखभाल के लिए जो नए रोजगार आए हैं युवाओं को, उसके विषय में भी सोचने की ज़रूरत है, ताकि अपने गांव क्षेत्र में इन मशीनों की देखभाल हो सके और रिपेयरिंग का कार्य कहीं बाहर से मिस्त्री न मंगाना पड़े, यहीं पे हो जाए। हमेशा टेक्नोलॉजी जो है फ्रेंडली होती है, और हम लोगों को सोचने की ज़रूरत है और उस पर कार्य करने की ज़रूरत है। इस टेक्नोलॉजी को हम देख करके सोचे कि इससे कैसे कार्य होता है, ये सारी चीज़ें एक बार दिखानी जरूरी है। और जो लोग खेती बाड़ी से अपना मुंह मोड़ चुके हैं उनको एक हिम्मत मिले कि हाँ वो भी कर सकते हैं खेती बाड़ी, किस ये सबके बस की बात हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि जो पहले से खेती बाड़ी में लगा हुआ है केवल वही खेती बाड़ी को संभाल सकता है।